भाई ये चर्च का साइड व्यू है, अभी इस पर चल रहा है काम। अब वो किस चीज़ का काम चल रहा है वो सारी चीज़ मैं बताता हूँ, फ्रंट व्यू से आपको फ्रंट व्यू भी दिखा देता हूँ। और ये 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, 5 मिनट भी शायद मेरे को लगता है पूरे नहीं हुए होंगे, मैं विद इन 5 मिनट के अंदर यहाँ आ गया। अभी चलो मैं आपको चर्च के बारे में भी बताता हूँ ढंग से और कुछ दिखाता हूँ। अभी तो काम चल रहा है तो यार इसकी जो ब्यूटीनेस है, जिस लिए फेमस है, जिस सुंदरता के कारण, तो भाई वो तो आप देख पाओगे नहीं क्योंकि काम चल रहा है इसमें। पहले मैं फ्रंट में चलता हूँ, फिर फ्रंट से आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है यहाँ का, अरे फिर मैं नाम भूल गया इस चर्च का, अभी मैं इसका नाम आपको उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार मैं देख के बता ही देता हूँ। रुको रे यार, मैं इस चर्च का नाम ही भूल जाता हूँ हर बार, नोट्रे डैम कैथोलिक चर्च। तो भाई इस चर्च के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। ये चर्च 1880 में बना था, जो रोम के लोगों ने बनाया था फ्रेंच के लिए, जो फ्रेंच लोग यहाँ रहते थे, पहले फ्रेंच का कब्जा था यहाँ पे 1880 के टाइम पे, तब ये चर्च बना था उन लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी चल रहा है काम, और 2019 में इसमें लग गई थी आग बिल्कुल ऊपर, इस चक्कर में सब कुछ जल गया, तो इसमें काम चल रहा है। और इसके जितने भी आपको दिख रहे हैं ना आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, ये सारा फ्रांस से मंगाया गया था, वहाँ से मंगाने के बाद यहाँ पे लगाया गया और तब जाके ये चर्च बना था। और जब इसमें आग लगी थी उसके बाद भाई क्या हुआ सुनो, पहले तो बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि कोई मरा नहीं आग लगने के बाद, बट जब आग लगने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यहाँ पर मिलते हैं ताबूत, 2 ताबूत मिले थे, जिनमें से एक ताबूत तो था एक पादरी थे उनका, जो 1710 में मरे थे, जिनकी एज 83 थी। जब उस पर रिसर्च करा गया तो देखा गया था वो उस पादरी थे, एंटोनियो समथिंग कुछ नाम था, तो आप गूगल पर डालोगे तब मिल जाएगा। तो ये इस चर्च की हिस्ट्री है। अब ये देखो भाई कैसे मान रहे हैं, ये कोई हमारे क्रिश्चियन भाई होंगे तो ये प्रे कर रहे हैं, तो ठीक है, गॉड ब्लेस हिम। तो ये एक बहुत पॉपुलर चर्च है, तो आप जैसे ये 2024 में खुलेगा, मैं बता देता हूँ, वो 2024 में खुल जाएगा, अभी इसका काम चल रहा है, जो फ्रांस आर्किटेक्चर जो कंपनी है फ्रांस की वही देख रही है। अगर मैं कुछ गलत बताया हो तो भाई मुझे माफ़ करना, और मुझे इसमें डिस्क्रिप्शन में या सॉरी कमेंट में बता देना अगर कोई चीज़ सही हो सके तो। बाकी सायगांव आप देखा होगा, हो ची मी को पहले सायगांव भी बोलते थे, ऐसे कुछ नाम था। और एक और मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ, ये तो था चर्च, अब अगली अट्रैक्शन है पोस्ट ऑफिस, ये देखो। भाई ये है यहाँ का बहुत ही पॉपुलर पोस्ट ऑफिस, और ये सिर्फ घूमने के हिसाब से नहीं अभी भी काम करता है, बट ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि भाई आज के टाइम में आपको ही पता है सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो गई हैं, तो पोस्ट का तो काम कौन ही लेता है। ये पोस्ट ऑफिस एक तरह से बन चुका है पूरा, आप देख सकते हो, ये शॉपिंग के हिसाब से यहाँ पर आर्किटेक्चर चीज़ें ले सकते हो आप, कुछ सोविनियर्स ले सकते हो, उस हिसाब से ये पूरा बन चुका है। ये आप पॉज करके पढ़ लेना, इस चर्च के बारे में आपको दिखा देता हूँ, सॉरी इस पोस्ट ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है। बढ़िया अजीब है, इन्होंने इनकी लैंग्वेज में लिखा था, इंग्लिश में ही लिख देता फिर समझ तो लेता भाई कोई पढ़ने वाला। तो चलो अंदर से मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ कॉफ़ी भी मिल रही है, भाई पूरी डिज़ाइन सोवियत है, सोवियत के हिसाब से बनाई हुई है ये डिज़ाइन, पूरा रोमेनियन कल्चर दिखा रखा है। और ये देखो अभी भी पोस्ट ऑफिस वर्किंग है, ये पोस्ट ऑफिस अभी भी
चल रहा है, कितनी मस्त बात है। देखो काम कर रहे हैं लोग इस। भाई कितना सुंदर बनाया हुआ है, यह है रोमेनियन डिज़ाइन आप कह सकते हो, क्या बोलते हैं सोवियत टाइम के। तो ये एक बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन है यहाँ भी। तो चलो अब मैं आपको इसी में ही दिखाता हूँ और जगह भी। ये देखो कि यहाँ से रास्ता है, शॉप से है सोवियर शॉप। चलो सोवियर शॉप से एक बार देख लेते हैं अपन। बट ऐसी जगह पर भाई चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, जैसे आपने देखा होगा जयपुर में सिटी पैलेस में या कुछ लेना हो कितना महंगा मिलता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे घूम रहा हूँ। भाई यहाँ सब कुछ फ्रेंच डिज़ाइन में बना हुआ है इस चर्च के पास, क्योंकि भाई फ्रेंच ने यहाँ पे पहले राज करा हुआ है और तब से ये बिल्डिंग और ये पूरा एरिया इन लोगों ने पूरा फ्रेंच कल्चर पर बना रखा है सब कुछ। ये देखो एक बार के लिए तो ऐसी फीलिंग आएगी कि आप वियतनाम में नहीं, आप फ्रांस में हो। हाँ सच में ऐसा लगता है कि भाई कि तुम फ्रांस में आ गए, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बनाई हुई हैं।